अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान रशीद और मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में वेलकम कहता हूं। अपने चैनल के इस सेगमेंट में मैं जो सब्जेक्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, उस सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में लास्ट टाइम हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को डिस्कस किया था और उसकी मदद से जर्नल एंट्रीज बनाई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज जर्नल, जर्नल क्या होता है, हाउ इट बी प्रिपेयर्ड, इसको किस तरह से बनाया जाता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे जर्नल का स्केच क्या है, जर्नल किस तरह बनता है और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको जर्नल के अंदर किस तरह पुट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है जर्नल। जर्नल जो है एक्चुअल में फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है और ये फ्रेंच का एक वर्ड है जोर, जे ओ यू आर, उससे लिया गया है, जिसका मीनिंग बनता है डे। डे का मतलब है दिन। तो इस तरह जर्नल का मतलब बनता है डेली, जो कि इसका लफ्जी मीनिंग है वही जर्नल का कॉन्सेप्ट है। तो जर्नल कारोबार की वो बुनियादी किताब होती है जिसमें डे बाय डे तारीख और तफसील के लिहाज से हर एक ट्रांजेक्शन को दर्ज किया जाता है। कारोबार में होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन है, कारोबार में होने वाला जितना भी लेन देन है, वो सबसे पहले जिस खाते में, जिस किताब में लिखा जाता है, हम उस किताब को जर्नल का नाम देते हैं, तारीख के लिहाज से और तफसील के लिहाज से। इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि जर्नल की डेफिनेशन क्या बनती है। इसकी डेफिनेशन को तीन हिस्सों में मैंने तकसीम किया ताकि आप लोगों को आसानी के साथ याद हो जाए। सबसे पहले जर्नल is a original book of journal is a original book of entry in which all the business transaction are recorded All the business transactions are recorded according to the detail and date. तो ये डेफिनेशन है जी जर्नल की। इसके तीन हिस्से कर लेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। देखते हैं इसे वन बाय वन, हम इसको तीन हिस्सों में तकसीम करके। जर्नल इज एन ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। तो पहली बात हमें यह पता चल गई कि जर्नल का एक और नाम भी है और इसको कहा जाता है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, यानी कि एंट्री करने की, ट्रांजैक्शन को दर्ज करने की सबसे ओरिजिनल और असल और पहली किताब। तो जर्नल इज एन ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, ये डेफिनेशन का पहला हिस्सा है। इन विच, जिसमें ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, तमाम कारोबारी लेन देन, तमाम कारोबारी ट्रांजैक्शंस को, तमाम कारोबार की एंट्रीज को दर्ज किया जाता है। और तीसरे नंबर पे अकॉर्डिंग टू द डिटेल एंड डेट, तारीख के लिहाज से और तफसील के लिहाज से दर्ज किया जाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर आपने कारोबार में परचेज की है तो जर्नल में लिखें, सेल की है तो जर्नल में लिखें, किसी को कैश दिया है तो जर्नल में लिखें, किसी से कैश लिया है तो जर्नल में लिखें, आपकी एक्सपेंस है, आपकी इनकम है, आपके एसेट्स हैं या आपकी लायबिलिटीज है, या किसी भी किस्म की कोई भी ट्रांजैक्शन है जो कारोबार में वकूफ पजीर हुई है, उसको जर्नल में लिखा जाता है, तारीख के लिहाज से और उसकी तफसील के लिहाज से। मतलब कि अगर कोई अकाउंट डेबिट है तो उसका क्रेडिट क्या है, यह भी जर्नल में लिखा जाता है। कोई अकाउंट क्रेडिट है तो उसका डेबिट क्या है, यह भी जर्नल में लिखा जाता है। तो मेरे भाई फाइनल करते हैं जर्नल की डेफिनेशन को कि कारोबार की पहली और ऐसी बुनियादी किताब जिसको हर एक कारोबारी लेन देन को इस बुक में तारीख और तफसील के लिहाज से दर्ज किया जाता है, हम ऐसी किताब को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री या जर्नल के नाम से जानते हैं। और इसका तीसरा नाम, इसको डे बुक भी कहा जाता है। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज जर्नल। इसके बाद चलते हैं इसके स्केच की तरफ, इसके ढांचे की तरफ कि जर्नल बनता किस तरह है। तो इसके पांच कॉलम हैं, पांच कॉलम्स पर मुश्तमिल है जर्नल, जिस तरह के स्क्रीन पर आपको ये व्हाइट बोर्ड पर बना दिखाई दे रहा है। तो वो पांच कॉलम का तारुफ देखते हैं कि वो पांच कॉलम कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, मतलब आप इसमें तारीख लिखते हैं, जिस डेट को भी, जिस तारीख को भी कोई ट्रांजेक्शन
कोई इंट्री वकूफ पजीर हुई है वो तारीख इस पहले कॉलम में लिख दी जाती है। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन का कहलाता है, इसमें आप ट्रांजैक्शन की इंट्री की डिटेल लिखते हैं, अगर अकाउंट डेबिट है तो वो भी यहाँ लिखा जाता है, उसके साथ अगर कोई अकाउंट क्रेडिट है तो वो भी पर्टिकुलर के इस दूसरे कॉलम में लिखा जाता है, और उसके साथ साथ उस ट्रांजैक्शन के पीछे उसकी तशरीह, उसकी वजाहत जिसे हम नोटेशन बोलते हैं, वो नोटेशन भी पर्टिकुलर में लिखी जाती है। तीसरा कॉलम होता है LF का, लेजर फॉइलिंग। फिलहाल हमारा टॉपिक जर्नल है, इसके बाद हमने लेजर बनाने हैं। तो कारोबारी खातों में लेजर अलग अलग खातों को कहा जाता है, बही खातों को कहा जाता है। जब आप हर एक अकाउंट, हर एक खाता अलहदा अलहदा करके बनाएंगे उसको हम लेजर्स कहते हैं। तो रजिस्टर के खातों के जिस सफ़ा नंबर पर, जिस पेज नंबर पर लेजर बनता है वो पेज नंबर यहाँ जर्नल में पुट किया जाता है। फिलहाल हम इसे खाली छोड़ेंगे, लेकिन LF का जो कॉलम होता है वो लेजर फॉइलिंग होता है, और इसका मतलब ये होता है कि लेजर का पेज नंबर, जिस पेज नंबर पर खातों के जिस सफ़ा नंबर पर लेजर बना है वो सफ़ा नंबर, वो पेज नंबर आपने इस LF के कॉलम में लिखना है। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट के दो कॉलम हैं, जहां पर अमाउंट लिखी जाती है। डेबिट अकाउंट के सामने आप डेबिट की अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट अकाउंट के सामने आप क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ इन लास्ट वाले दो कॉलम्स में अमाउंट लिखी जाती है। तो ये है स्केच हमारे जर्नल का, जिसे डे बुक भी कहा जाता है और जिसे ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन और उसके स्केच के बाद अब इसकी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की मदद से जर्नल एंट्रीज बनती किस तरह हैं। आज हम उन्हीं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की मदद से जर्नल एंट्रीज भी बनाएंगे और उनको वन बाय वन जर्नल में पुट किस तरह किया जाता है ये भी देखेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए इंटर लेवल ICOM पार्ट फर्स्ट की जो आपकी बुक है उसके जर्नल के चैप्टर की सबसे पहली प्रॉब्लम, जिसमें 5 एंट्रीज मौजूद हैं, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। तो उन 5 एंट्रीज में आपकी पहली जो प्रॉब्लम है उसकी सबसे पहली जो एंट्री है वो 2017 जून की पहली तारीख की एंट्री है, और वो है अहमद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2,50,000, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी कि अहमद ने कारोबार शुरू किया है 2,50,000 रुपये से। तो डेयर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि आप अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटेंट बन के सोचेंगे, आप कारोबार में बैठकर सोचेंगे, अहमद आया आपको 2,50,000 रुपये देकर चला गया। तो इसमें दो अकाउंट हैं, एक कैश है और एक अहमद है। कैश है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है कि जो चीज़ आ रही हो वो डेबिट होती है। तो इस लिहाज से आप यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट, आप इसको 2,50,000 रुपये इसके सामने डेबिट वाले कॉलम में लिख के कैश को 2,50,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। और आपको दे कौन रहा है? अहमद। अहमद है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि जो हमको दे, यानी कि गिवर, हमेशा क्रेडिट होता है। तो अहमद हमें 2,50,000 रुपये दे के गया, क्योंकि हम अकाउंटेंट हैं, हम कारोबार में बैठे हैं, हम कारोबार को शुरू कर रहे हैं, लिहाजा आप अहमद को क्रेडिट करेंगे। इसके सामने क्रेडिट में आप लिख देंगे 2,50,000। एक बात याद रखिएगा डेयर स्टूडेंट्स, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में हम लोगों ने पढ़ा था एक वर्ड कैपिटल। कैपिटल के बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वो रकम या वो चीज़ें जिनसे कारोबार शुरू किया जाता है हम उसको कैपिटल बोलते हैं। तो इस एंट्री में स्टार्टेड का वर्ड दिया हुआ है कि अहमद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2,50,000। तो इसका मतलब है कि अहमद कारोबार शुरू कर रहा है, लिहाजा ये उसका कैपिटल है। हम इसे लिखेंगे अहमद कैपिटल, कि अहमद का कैपिटल है। अगर अहमद का नाम इस ट्रांजैक्शन में या क्वेश्चन में ना होता तो हम इस एंट्री को सिर्फ कैपिटल लिख देते, और कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट होता, वो भी गिवर होता और वो क्रेडिट होता। और ये एंट्री वकूफ पजीर हुई है 2017 जून की पहली तारीख को। इस तरह आप डेट के कॉलम में ये लिख देंगे। तो ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई, जर्नल के अंदर पुटिंग हो गई। लेकिन हर एक ट्रांजैक्शन की आपने तशरी, उसकी डिटेल बतानी होती है नीचे, जिसे हम नोटेशन बोलते हैं। एक्चुअल में नोटेशन की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में देखते जाइएगा। नोटेशन किसी भी ट्रांजैक्शन के मुतल्लिक वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपने जर्नल के अंदर हर ट्रांजैक्शन के नीचे लिखनी होती है, जिससे वाजे होता है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुई है। जिस तरह के ये जो ट्रांजैक्शन है कारोबार स्टार्ट करने के लिए हुई है, तो लिहाजा आप लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। तो मेरे भाई, कैपिटल के साथ, सरमाए के साथ आपका कारोबार शुरू हो गया। इसे आप ब्रैकेट में लिख देंगे
तो ये आपकी नोटेशन है। इस तरह आपकी ये एक पहली ट्रांजेक्शन जो है ये कंप्लीट हो गई, और आप सिर्फ पर्टिकुलर वाला ये जो दूसरा कॉलम है इस ट्रांजेक्शन के नीचे, इस दूसरे कॉलम के नीचे सिर्फ लाइन लगाएंगे। ओवरऑल तमाम के तमाम जो कॉलम है वहां लाइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ ट्रांजेक्शन जहां आपने डिटेल लिखी है पर्टिकुलर के अंदर, दूसरा जो कॉलम है सिर्फ उसके अंदर आप ये लाइन लगाएंगे, ताकि हर एक ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन से अलग हो जाए। तो इसी प्रॉब्लम में से जो दूसरी ट्रांजेक्शन है, जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जून की 5 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,00,000 कि आपने चीज़ें खरीदी हैं ₹1,00,000 की, तो आप इसको पुट करेंगे, डेट लिखें 5 तारीख जून की 5, परचेज गुड्स, अब इसमें दो अकाउंट हैं, एक परचेज है और एक कैश है। परचेज है नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट हमें ये बताता है कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, लिहाजा आप परचेज को डेबिट करेंगे। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कारोबार से कैश जा रहा है, लिहाजा कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, और इन डेबिट के सामने डेबिट के कॉलम में 1,00,000 और क्रेडिट के सामने क्रेडिट के कॉलम में 1,00,000 आप लिखेंगे, और इसकी नोटेशन नीचे लिखेंगे कि गुड्स परचेज फॉर कैश, कि आप चीजें खरीद रहे हैं नगद, गुड परचेज फॉर कैश, ये आपकी नोटेशन है। तो इस तरह ये दूसरी ट्रांजैक्शन हो गई, और सेम आप सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में इस ट्रांजैक्शन के पीछे नीचे जो है वो लाइन लगा देंगे। इसी तरह इस प्रॉब्लम की ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो है जी जून की 9 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,25,000। तो 9 तारीख सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसमें दो अकाउंट है, सेल है और कैश है। सेल नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। कैश रियल अकाउंट है, कारोबार में आ रहा है, जब आप चीजें बेचेंगे तो कैश आएगा, लिहाजा जो चीज आ रही हो डेबिट, तो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट 1,25,000 और क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट 1,25,000, और इसकी नरेशन आप ये लिखें कि आपने चीज़ें सेल की हैं, तो आप लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, के पैसे लेकर आपने चीज़ें बेच दी, ये आपकी नरेशन हो गई। तीसरी ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट, इसके नीचे भी आप लाइन लगा देंगे। तो 9 तारीख के बाद डेट है 15, पेड सैलरीज ₹30,000 कि आपने 30,000 पे तनख्वाहें दी हैं। तो 15 जून को इसमें दो अकाउंट हैं, एक पेड यानी कि कैश रियल अकाउंट है, और सैलरीज यानी कि एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक हमेशा डेबिट होते हैं, लिहाजा आप सैलरीज को डेबिट करेंगे। सो सैलरीज अकाउंट डेबिट, कारोबार से कैश जा रहा है, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। डेबिट के सामने 30,000, क्रेडिट अकाउंट के सामने क्रेडिट के कॉलम में 30,000, और इसकी नरेशन आप ये लिखेंगे कि पेड सैलरीज इन कैश, कि आपने पैसों में तनख्वाहें जो हैं, सैलरी जो हैं वो अदा कर दी, और इसी तरह पर्टिकुलर के कॉलम में इस ट्रांजैक्शन इस एंट्री के नीचे भी आप लाइन लगा देंगे। तो 15 तारीख के बाद जो लास्ट एंट्री है इस प्रॉब्लम की वो है 25 जून की, रिसीव कमीशन ₹10,000, आपने 10,000 पे कमीशन वसूल किया है। तो इसमें दो अकाउंट है, रिसीव है तो कैश आ जाएगा, कमीशन है इनकम आपकी नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा, कैश रियल अकाउंट है, जो चीज़ आ रही हो डेबिट होता है। तो 25 जून को कैश आपके पास आ रहा है, सो आप इसको करेंगे डेबिट, क्योंकि आप कैश को रिसीव कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन इसलिए क्रेडिट क्योंकि वो इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, और डेबिट के सामने 10,000 पे डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट के सामने 10,000 पे क्रेडिट के कॉलम में आप लिखेंगे, और इसकी नरेशन आप ये लिखेंगे कि रिसीव्ड कमीशन इन कैश, के पैसों में आपने कमीशन जो है वो रिसीव किया है। तो इस तरह इस ट्रांजैक्शन के नीचे भी आप पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन लगा देंगे। तो इस तरह आपकी इंटर की आईकॉम पार्ट फर्स्ट की जो बुक है उसके जर्नल के चैप्टर का सबसे पहली जो प्रॉब्लम है उसकी 5 एंट्रीज मैंने सॉल्व कर दी, जिससे हमें यह भी पता चल गया कि जर्नल किस तरह बनाते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप कारोबार शुरू क्वेश्चन आप शुरू कर रहे हों तो वहाँ पर
किसी न किसी फर्म का या किसी न किसी बंदे का नाम अगर दिया हो तो ये बुक उसी की होती है, जिस तरह के मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अहमद जर्नल, कि ये अहमद का जर्नल है, तो ये अहमद की बुक हमने बनाई है। एक बात और ख्याल रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है जर्नलाइजिंग, जो जर्नल से ही निकला है। जर्नलाइजिंग की डेफिनेशन होती है कि प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टू द जर्नल, कि तमाम कारोबारी लेन देन को जब हम जर्नल में पुट करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, जर्नलाइजिंग। तो आपके सामने ये जो अमल मैंने किया है सारा, ये मैंने जर्नलाइजिंग की है कि मैंने बुक से ट्रांजेक्शन उठाई हैं, उन पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाए और उसको जर्नल में पुट कर दिया। तो इस तरह ट्रांजेक्शन को उठा के जर्नल में पुट करने का जो अमल होता है वो जर्नलाइजिंग कहलाता है। तो इस वक्त ये हमने जर्नलाइजिंग की है। एक और बात फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ ये किया हमने कि आप जिस पेज पर, जिस खाते के पेज पर ये जर्नल बना रहे हैं, वहाँ पे एंट्रीज अभी और मजीद पड़ी हुई हैं, लेकिन आपका पेज ख़त्म हो गया, जर्नल जिस पे बना है वो पेज फिल हो गया, तो आप उस पेज के एंड पर दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। इसका भी बनेगा 5,15,000, इसका भी बनेगा 5,15,000। दोनों साइड्स का आप टोटल करके उसके सामने लिखेंगे सी एफ। सी एफ होता है कैरी फॉरवर्ड, आगे लेकर जाएंगे। तो फिर आप अगले पेज पर अपने खातों के, अपने रजिस्टर के अगले पेज पर दोबारा से जर्नल का स्केच बनाएंगे और वहां पर ये टोटल लिख देंगे पहले डेबिट और क्रेडिट में, और उसके सामने वर्ड लिखा करेंगे बी एफ, ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड होता है ले आना, फॉरवर्ड आगे, कि आगे ले आए हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब आगे लेकर जाएंगे, जहां से लेके जाना है उस पेज पर नीचे कैरी फॉरवर्ड लिखें, और जिस पेज से दोबारा नए पेज से शुरू करना है उसके ऊपर आगे ब्रॉड फॉरवर्ड लिखें, और सामने डेबिट में ये 5,15,000 डेबिट पे और 5,15,000 क्रेडिट पे टोटल लिख दें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई होगी और आप लोग इसे फॉलो भी करेंगे। तो प्लीज़ 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 एक बात बिल्कुल ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम इस तरह के मजीद बहुत सारी बुक्स के आसान से आसान तरीके और आसान से आसान मेथड के साथ लेक्चर आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह पाक आपको और आपके पूरे अहले खाना को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।